जनरली आप जो भी कैट टेस्ट में जाओगे, हर कैट टेस्ट में कुछ ना कुछ या तो फाइल मिलेगी, इन सेंस पीडीएफ मिलेगा, जैसे कि वी कंस्ट्रक्ट सुना होगा आप लोगों ने, ब्लैक एंड वी सुना होगा, या फिर क्या बोलते हैं आप, नीलसॉफ्ट सुने होंगे। तो वहाँ पर जनरली आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसी पीडीएफ को टेक ड्रॉ करना पड़ेगा। कैट टेस्ट का पहला ऑप्शन ये होता है। दूसरी चीज़ कैट टेस्ट में क्या पूछी जाती है वो हम लोग आज करने वाले हैं। उसमें आपको दो तरीके के कैट टेस्ट यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। पहला कैट टेस्ट है आपका रेबिट आर्किटेक्चर पे, दूसरा कैट टेस्ट है आपका रेबिट फैमिली पे। दोनों के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, 15-15 मिनट का ऑप्शन रखे हैं। कितने मिनट का? 15-15 मिनट। अब ये बोलोगे सर इतना कम टाइम क्यों? क्योंकि कैट टेस्ट का मतलब ही होता है कंपनी देखना चाहती है आपकी स्पीड क्या है, कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है आपकी। मैंने लास्ट बैच को ऐसे मैंने 20 मिनट दिया था, आप लोगों से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको, क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक आप लोग रैबिट आर्किटेक्चर इस बार आप लोगों ने सीखा हुआ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रैबिट आर्किटेक्चर के लिए, 15 मिनट रैबिट स्ट्रक्चर्स के लिए। नो डाउट आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, रैबिट फैमिली के लिए एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट उस एक्स्ट्रा में क्या होगा कि आपके मार्क्स माइनस मार्किंग में जाएंगे। तो फास्ट करना है, करना क्या है, सिंपल सा है। एक आपको कोई भी वॉल बनानी है, वॉल। अच्छा अभी प्रतीक्षा आ गई, ठीक है सबको आने, तो फिर 1 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सा वॉल बनाना है। उस वॉल में आप रेक्टेंगल बना सकते हो, सपोज 10 बाई 10 का बना लो आप, ठीक है। 10 बाई 10 का वॉल बनाना हमारा मकसद नहीं है, जस्ट आप 10 बाई 10 का, 12 बाई 12 का, चाहे जो बना लीजिए। एक डोर देना उसके अंदर, सॉरी दो डोर देना उसके अंदर, दो विंडो देना उसके अंदर, दो डोर देना है, दो विंडो देना है, और 12 बाई 12 का बना लो। मन करे तो आप उसके अंदर स्लैब भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो उसके अंदर स्लैब भी ड्रॉ कर दो। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई। इसमें करना क्या है, तो इसमें करना क्या है, जो ट्विस्ट है वो है इसका एस्टिमेशन। इसमें आपको ब्रिक का एस्टिमेशन करना है, सीमेंट का करना है, सैंड का करना है, नंबर ऑफ डोर और नंबर ऑफ विंडो का करना है, समझ गए। यही ट्विस्ट है, क्योंकि 12 बाई 12 का फ्रेम तो कोई भी बना लेगा, उसमें दो दरवाजा तो कोई भी लगा देगा, दो विंडो तो कोई भी लगवा देगा। तो हमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट है ब्रिक, सैंड और क्या बोलते हैं सीमेंट, नंबर ऑफ डोर, नंबर ऑफ विंडोज, ये हमारा चैलेंज है। इसको हम मतलब इसको हमको करना है, ये 15 मिनट के अंदर हो जाए विद एक्सेल। मतलब आपको शेयर जो करना है वो एक्सेल सीट में करना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट 15 मिनट का टेस्ट है। लास्ट 15 मिनट का टेस्ट में क्या है, थोड़ी सी चैलेंजिंग है, ज़्यादा टफ नहीं दिया है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या दिया है, पाइल फाउंडेशन को करना है। किसको करना है, पाइल फाउंडेशन को करना है। शर्त ये है कि ये पैरामेट्रिक के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा, पैरामेट्रिक के अंदर पाइल करना है, वो भी 4 पाइल का पैरामेट्रिक करना, बीच में एक होल देना है, ठीक है। बीच में एक होल दे, कैप बनाओगे ना, कैप सपोज पैरामेट्रिक का कैप कुछ ऐसा बना लिया, इस कैप में बीच में होल रहेगा। बीच में कैसे भी एक्सट्रूजन से होल कर सकते हो, मैं बताऊंगा नहीं, बट आप कर लो ना, ठीक है। बीच में होल कर दिया, एक पाइल इधर दे दो, एक पाइल इधर, एक पाइल इधर, एक पाइल इधर, ऊपर से हल्का सा कॉलम दे दो। तो 4 पाइल का एक पैरामेट्रिक वाला हमें फुटिंग बनाना है, और उसके बाद ये बनाना। 15 मिनट इसका, 15 मिनट एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा 5 मिनट मैं आपको खुद से दूंगा। वो एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि रैबिट की फाइलें बड़ी होती हैं, उनको आप मेल करोगे प्लस क्या बोलते हैं इमेजिन करोगे, तो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। तो टोटल 35 मिनट्स। सो 5 मिनट किसका है, मेल वगैरह करने का है, और 15 मिनट इसका, 15 मिनट है। अभी तक में किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, टेस्ट स्टार्ट होने के लिए। सर वो रैबिट फैमिली में फिर से एक्सप्लेन कीजिए, वो पाइल कैसे बनाना है। हाँ आप पाइल तो बना लोगे, एक सीधे सीधे एक पाइल कैप समझते हैं आप, पाइल कैप, हाँ सर, हाँ पाइल कैप समझ रहे हैं ना। तो पाइल कैप में 4 पाइल्स बनाने, मैं इमेज दिखा देता हूँ पहले, आपको रेनफोर्समेंट नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ 4 पाइल्स हमको ड्रॉ करके देनी है उसमें। ये है 4 पाइल्स, इसमें देख रहे हैं आप, एक कॉर्नर पे दिख रहा होगा, एक ऊपर से ऐसे कैप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आप, मैं क्या बोलूँ अभी आपको समझो, ये सामने ड्राइंग दिख रही है बगल में, ठीक है। इस तरीके से रेक्टेंगल खींच लेना है, इसमें 4 पाइल दे देना है। इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक सिर्फ है कि एक्सट्रूजन से, सॉरी पैरामेट्रिक से करना है, बस इतना सा ट्रिक है। और बीच में आप देख रहे होंगे कॉलम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कॉलम लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी होल पर आप कॉलम सेट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट केवल होल भी दे दिया तो भी मेरे लिए समझ में आ गया कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर या तो कॉलम दे देना है या फिर होल, ये आपके ऊपर है। 4 पाइल इस तरीके से डाल देने हैं, ये देखो ये वाला इमेज दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है।
और अच्छा इमेज देखना है तो ये सिंपल आप ये देख लो, यही एग्जैक्टली बनाना ही है जो सामने दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, कॉलम दीजिए या फिर होल दीजिए, और बाकी ये चार पाइल, जिसमें छह पाइल है आपको चार कर देना है। सम्यक समझ आ गया? हाँ सर। इजी है ना, बहुत टफ नहीं देना, बहुत इजी है। ठीक है, ठीक सिर्फ है सर। हाँ ठीक है, ये टफ कब होगा? टफ होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, जब इसके अंदर रेनफोर्समेंट डालेंगे। ठीक है, और किसी कोई डाउट है यहाँ तक में क्या? लैपटॉप सो ऑन दिस लैपटॉप ओनली ऑटोकैड? नहीं पीपल, तब तो तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी लोग करें, तुम एक काम कर सकते हो, लेकिन उसमें पैरामेट्रिक तो हो ही नहीं सकता है, एस्टिमेशन भी नहीं हो सकता है। अगर एस्टिमेशन निकाल सकते हो तो ऑटोकैड के अंदर तुम निकाल लो। ठीक है, कमांड होती है, अगर तुमको पता होगा तो निकाल लोगे। सभी लोग स्टार्ट करेंगे, और क्या बोलते हैं, 9:45 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। टोटल यू हैव 30 मिनट्स, और 5 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा फॉर योर मेल एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो 35 मिनट आपके पास है, बट आप इमेजिन करना 30 मिनट केवल, 15 मिनट उसको, 15 मिनट। इसमें मेन क्या है, मेन है स्पीड, बनाने को सब बना लेंगे मुझे पता है। ठीक, वही बहुत पार्ट आप नहीं है। ठीक है, बट टाइम पर बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कौन कौन बना लेता है और कौन नहीं बना पाता है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो समय प्रतीक्षा, किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, बिल्कुल मैं यहीं पर रहूंगा आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ मेरा स्क्रीन बंद रहेगा बट लाइव रहूंगा आपके साथ। कुछ भी दिक्कत रहे बीच में पूछो, और क्या बोला, मुझे लगता है नहीं एस्टिमेशन कुछ दिक्कत है। एस्टिमेशन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बीम को, कॉलम को, सॉरी, एस्टिमेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स दिखाने हैं, सीमेंट का बैग दिखाना है, सैंड दिखाना है, और नंबर ऑफ डोर, नंबर ऑफ विंडो, इतना एस्टिमेशन। 12 बाई 12 का कमरा बना के उसमें कर लो बस। ठीक है, ट्राई करो, कोई दिक्कत रहेगा तो हम आपके साथ हैं, पर हम बताएंगे नहीं आपको बिल्कुल ही, टेस्ट के बाद हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दीजिए, आपका टाइम हो चुका है क्योंकि 1 ही मिनट बचा है आपके पास। मैं लाइव ही हूँ, कोई दिक्कत रहे बीच में, कोई दिक्कत आता है तुरंत आप बोलिएगा।